आंखें खोलो इंडिया, आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, रणवीर सेना के प्रमुख की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जी हां, मॉर्निंग वॉक पर मर्डर की यह खबर आई है। बिहार के आरा में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। रणवीर सेना के मुखिया ब्रह्मेश्वर मुखिया सुबह की सैर के लिए निकले थे। मुखिया कुछ ही दूर गए होंगे तभी पीछे से हमलावर ने मुखिया को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद ब्रह्मेश्वर मुखिया की मौके पर ही मौत हो गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं इंडिया टीवी संवाददाता नीतीश चंद्र, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीतीश, क्या वजह बताई जा रही है इस वारदात के पीछे, हत्या के पीछे? देखिए, पुलिस हत्या की वजह तो अभी नहीं बता पा रही है, लेकिन ये कहना है पुलिस का कि सुबह 5 बजे के आसपास ये अपने घर से निकले थे मॉर्निंग वॉक के लिए, और उसी समय इन्हें अपराधियों ने, अज्ञात बदमाशों ने जो घात लगाकर बैठे थे, उन्होंने गोली मार दी है। 3 गोलियां लगी हैं इन्हें, और फिलहाल उनके घर पर काफी भीड़ जमा हो गई है। रणवीर सेना का गठन इन्होंने किया था 1994 में और 2002 में इनकी गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद 8 जुलाई 2011 को ये जेल से रिहा हुए थे, तो कई मामले अभी इन पर चल रहे थे। कुछ मामलों में इनकी रिहाई हुई थी, 16 मामलों में इनकी रिहाई हो चुकी थी और 6 मामलों में अभी ये जमानत पर थे। तो रणवीर सेना का सबसे बड़ा नाम बिहार में रहा है, और नरसंहार जितने भी बिहार में पिछले 2 दशकों में होते रहे हैं उनमें इनका नाम काफी बड़े स्तर पर लिया जाता रहा। हालांकि कुछ 1 महीने पहले पटना में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था रिहाई के बाद, और उसमें उन्होंने ये दावा किया था कि इस संगठन से उनका कोई रिश्ता नहीं है और वो अब किसानों को संगठित करना चाहते हैं। राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थोड़ी बहुत रही है, चुनाव लड़ने की भी कोशिश की थी लेकिन वो हार गए थे। नीतीश, क्या उस दौरान जब ये मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे कोई आसपास था, किसी ने देखा कि किन किन लोगों ने इनको गोली मारी? अरे देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आरा के SP से मेरी बात हुई थी और उनसे मैंने पूछा था कि प्रत्यक्षदर्शियों से कोई बातचीत हुई है, कोई जानकारी मिल पाई है। तो पुलिस का कहना था कि यही उनके लिए एक बड़ी परेशानी है कि किसी ने देखा नहीं और उस समय कोई था नहीं। तो फिलहाल पुलिस के सामने अभी कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसके आधार पर कुछ जानकारी मिल सके। पुलिस सिर्फ ये बता रही है कि 3 गोलियां उनको लगी है और उनकी मौत हो चुकी है। घर पर उनका शव भी पड़ा हुआ है। काफी संख्या में पुलिस के लोग वहां पर पहुंच चुके हैं, पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंच मामले की छानबीन कर रहे हैं। नीतीश, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपसे फिर संपर्क करेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।